गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हमने परसों एक सेट सॉल्व कराया था आपको, SSC स्टेनो का सेट नंबर 62। इसके हमने फर्स्ट टू 25 क्वेश्चन करा चुके थे, 1 से 25 तक क्वेश्चन मैं करा चुका था उसके। आज जो हम लोग करेंगे 36 से 65 क्वेश्चन तक करेंगे, यानी कि लगभग ये 40 क्वेश्चन हो गए हैं लगभग। इसमें 10 एक्टिव पैसिव, 10 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 5 PQRS, 5 ईडियम्स। यस, ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, सॉरी पहले मैंने 40 बोल दिया। यस, ये आपके 30 क्वेश्चन बैठेंगे पूरे, इनको सॉल्व करते हैं आज। और चलिए आप मेरे साथ, और जो अभी अभी हमारे चैनल पर आज ही सबसे पहली बार आए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान, और ये लॉकडाउन बढ़ेगा आपको ही पता है, मुझे ही पता, सबको पता है ये बात, ये लॉकडाउन के दौरान मैं आपकी MBA बुक निपटाने वाला हूँ लगभग, क्योंकि 15 मई तक तो कम से कम है ही लॉकडाउन, और आज है आपका 22 अप्रैल। यस, 22 अप्रैल है, और कुछ खास भी है आज, मेरी एनिवर्सरी भी है आज स्टूडेंट्स, इसलिए बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी उसके बाद हम लोग सेलिब्रेट कर सकें, घर में करेंगे सेलिब्रेट आज। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, थोड़ा हौसला मिलता है इससे। आपके एक लाइक से हमें ये पता चलता है कितने लोगों ने हमें पसंद किया और कितने लोगों ने नहीं किया पसंद। आप लोग आकर के सिर्फ देख कर चले जाते हैं, ये गलत तरीका है, कम से कम लाइक देकर जाया करें आप एक। यस, मैं भी इस वीडियो को टारगेट रखता हूँ 50 लाइक। यस, देखता हूँ कि कितने बच्चे मेरी बात सुनते हैं। आपके कहने के अनुसार हम लोग एकदम सुनते हैं। आप लोगों ने कहा ग्रुप व्हाट्सएप पर, हमने एकदम ग्रुप बनाया आपके लिए, क्वेरी ग्रुप सॉरी। इसमें रात हमने कुछ बच्चों को जोड़ दिया है, उनकी क्वेरीज भी ली हैं। आप भी इस तरह तत्पर रहें साथ में मेरे, और यहाँ लाइक ज़रूर करके जाएं वीडियो को। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? हाँ, पहला क्वेश्चन आपका ईडियम से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट है आपका? ईडियम से। तो चलो चलते हैं पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कह रहा है कि वाइड ऑफ द मार्क, पहला ही क्वेश्चन है आपका, वाइड ऑफ द मार्क, यानी कि वाइड का मतलब होता है दूर। आपने देखा ना क्रिकेट मैच देखा होगा आपने, क्रिकेट मैच में क्या बोलते हैं कि वाइड है, वाइड का मतलब होता है परे, मार्क मतलब चिन्ह, आपके उस मार्क यानी कि उस चिन्ह से आपने बहुत दूर मारा दे करके, तो वाइड ऑफ द मार्क यानी कि इनएक्यूरेट, जो कि सही ना हो। टू हैव अ बी इन वंस बोनेट, टू हैव अ बी इन वंस बोनेट, किसी चीज़ को महत्वपूर्ण मानकर उसी के बारे में लगातार सोचते रहना। टू हैव अ बी इन वंस बॉनेट, यानी कि टू बी ओबेस्ड विथ समथिंग, क्राइम फॉर द मून, यानी कि मून चंद्रमा के लिए चिल्लाना, जो कि बिल्कुल असंभव है, जो आपको मिल ही नहीं सकता, तो क्राइम फॉर द मून यानी कि एक ऐसी चीज़ जो आपको नहीं मिल सकती, आप उसके लिए क्राइम कर रहे हैं। टू वांट द इम्पॉसिबल, उटोपियन, उटोपियन मतलब आदर्श, आइडियलिस्टिक, कम टू ग्रीफ, कम टू ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, दुखी होना, तो यानी कि टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट। अभी जो आपके अगले क्वेश्चन है वो आपके PQRS है, उन्हें देखते हैं आप। PQRS के लिए मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद आप वर्ब की तरफ चलेंगे। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, और सब्जेक्ट दिया हुआ है इंडिया सरप्राइज्ड, इंडिया सरप्राइज मतलब उसने आपको सब्जेक्ट भी दे दिया और वर्ब भी दे दी। क्या दे दिया आपको? सब्जेक्ट और वर्ब। अब आपको क्या ढूंढना है? अब आपको ढूंढना है साथ में इसके ऑब्जेक्ट, क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंडिया एक सब्जेक्ट है और वर्ब सरप्राइज्ड एक वर्ब है, इंडिया सरप्राइज, इंडिया सरप्राइज। द वर्ल्ड फास्टेस्ट
ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी द वर्ल्ड बाय बिकमिंग, किस लिए है वो सरप्राइज, ये देखना होगा हमें ऑप्शंस के हिसाब से। पहला चलते हैं, पहले कही इंडिया सरप्राइज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी द वर्ल्ड बाय बिकमिंग। इंडिया सरप्राइज द वर्ल्ड, इंडिया ने सरप्राइज कर दिया वर्ल्ड को, कैसे, बाय बिकमिंग, बन करके द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, आर पी क्यू, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। वी कैन सेव पेपर, हम लोग पेपर बचा सकते हैं किस तरह से, देखिए यहाँ एंड आया हुआ है, क्या आया हुआ है, एंड, और एंड के बाद जो है उसने आपको दिया हुआ है बाय प्लस आईएनजी, बाय प्लस, यानी कि एंड से पहले भी बाय प्लस आईएनजी रहेगा, तो वो है आपका यहाँ पे, यानी कि आर पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा, आर और क्यू आएंगे आपके साथ में, आर क्यू यहाँ बाद में है और आर क्यू यहाँ भी है लेकिन इकट्ठे हुए। सो वी कैन सेव पेपर बाय कीपिंग डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड बाय नॉट प्रिंटिंग ईमेल, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ सम पीपल, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आई है। सम पीपल क्या आपका ये एक सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, वही प्लूरल, सम पीपल। अब आपको चाहिए वर्ब, साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका जो सम है, सम के साथ में दोनों तरह के नाउन आ जाते हैं, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी, लेकिन अगर काउंटेबल आएगा तो हमेशा प्लूरल आएगा, ये भी ध्यान रखें आप, फिर प्लूरल वर्ब आएगी, और अनकाउंटेबल को तो सिंगुलर माना जाता है। तो इस तरह से एग्जांपल क्या रहेंगे, जैसे कि सम बॉयज आर प्लेइंग देयर, थोड़ा मेरे राइटिंग पे आप ना जाया करें, राइटिंग थोड़ी पुअर है। सम वाटर हैज फ्लो, इस तरह से, यस। सम के साथ काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, और सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर हो पाएगी, इस तरह। तो यहाँ पर सम पीपल आया फिलहाल, और इसके बाद वर्ब नहीं है, और वर्ब सिर्फ ना तो यहाँ है ना यहाँ है, सिर्फ और सिर्फ क्यों वाले पार्ट में, क्यों आपका सिर्फ एक में है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है, 44 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो सिर्फ आपको दिया था ना द ऑब्जेक्ट, क्या दिया था ना आपको, द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, वर्ब की। अब यहाँ पर वर्ब पी में है और पी ए में है, लेकिन यहाँ पर आपका द ऑब्जेक्ट पी पी दिया हुआ है, प्रपोजिशनल पार्ट, जिसको हम लोग पार्टिटिव या एडजेक्टिव बोल देते हैं। क्या होता है ये पार्टिटिव, बंद कर दो, पार्टिटिव यानी कि प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का आना सब्जेक्ट के बाद, जैसे कि द क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, द क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, ये हिस्सा आपका पार्टिटिव है, क्या है आपका हिस्सा पार्टिटिव, वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगी, इसलिए द ऑब्जेक्ट ऑफ Adopting e-learning is, यानी कि आर के बाद पी आएगा आपका, क्योंकि आपका पार्टिटिव पहले आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, जो कि आपका डी में है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग इज द, टहलना है, यहाँ सब्जेक्ट भी आ चुका है, वर्ब भी आ चुके हैं, सिर्फ मोटिव नहीं आया है। वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म, क्योंकि द आया हुआ है,
दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का आना कंपलसरी है। ये नहीं कह सकते कि दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री आनी कंपलसरी, ऐसा नहीं कहेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आना कंपलसरी है, ये कहेंगे। तो यहाँ पे वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म, तो क्या उसे स्टार्ट होगा, क्या उस सिर्फ एक में ही है, वो आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है वो है आपका एक्टिव पैसिव। क्या है एक्टिव पैसिव, उनको देखते हैं एक्टिव पैसिव को। पहला क्वेश्चन है आपका 46, वाज द स्टोरी रिटन बाय यू, ये पहले से पैसिव, आपको उसका एक्टिव बनाना है। एक्टिव बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ढूंढना हो सेकंड फॉर्म, और जब वो शुरू में लगा हो तो उसके सेकंड फॉर्म के लिए आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, और डिड सिर्फ एक में ही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। समवन स्टोल माई क्लच विद ऑल इट्स कंटेंट, स्टोल आपकी सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वॉज वर्ब का, जो कि पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में कहीं नहीं है वर्ब, स्टोलन का राइट, और चौथे में भी है। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो रहेगा अब वो बनेगा माई क्लच, किससे बनेगा, माई क्लच, माई क्लच, माई क्लच, माई क्लच, माई क्लच, माई क्लच। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा एक्टिव पैसिव का मैंने इसे डाला हुआ है, मैं इसका आई बटन में आपको डाल दूंगा, बता दूंगा। माई क्लच के बाद जो पीपी है वो इसके साथ ही आएगा, प्रपोजिशनल पार्ट। माई क्लच विद ऑल इट्स कंटेंट वॉज स्टोलन। दूसरी बात, यदि सेंटेंस के शुरू में एक्टिव में, यदि एक्टिव सेंटेंस में समवन समबडी पुलिस पीपल यूथ हो तो पैसिव बनाते समय इनको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर समवन को पैसिव बनाते समय हटा देंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। वी कुड सी द यंग मैन ऑफ द विलेज एट द कॉर्नर शॉप एवरी संडे नाइट, यहाँ पर कुड आ चुका है, आपको कुड बी ढूंढना होगा। कुड बी कितनों में है, कुड बी आपका पहले में, हो सॉरी पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, कुड प्लस सी करा उसने, और चौथे में है। यहाँ पे आपका ये दो भार होते हैं रेस, बसता है बी एस सी। सेंटेंस बने आपका द यंग मैन से, द यंग मैन, द यंग मैन ऑफ द विलेज, ऑफ द विलेज कुड बी सीन एट द कॉर्नर, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। बिल्कुल, ओपन द विंडो इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला रहता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एजेंट अगर जरूरत हो तो। सो लेट द विंडो बी ओपन्ड, डी इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शी डिड नॉट ट्रस्ट एनी बडी, यहाँ उसने डिड नॉट लगाया, और डिड नॉट मतलब सेकेंड फॉर्म, आपको ढूंढना है वॉज वर्ब, क्या ढूंढना है आपको वॉज वर्ब, वॉज शुरू में है, सेकेंड में नहीं है, बाहर कीजिए इसको, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा। द चिल्ड्रन वर डिगिंग, वॉज वर्ब प्लस आई एन जी, आपको वॉज वर्ब प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चौथे में है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 52 देखें। दे मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स, मस्ट आ गया तो आपको ढूंढना है मस्ट बी, जो कि पहले में है, दूसरे में भी है, लेकिन बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव का फॉर्मूला यह है कि बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म का आना, जितने भी पैसिव होंगे उनमें बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म का आना अनिवार्य है। यस, सो इस तरह से दे मस्ट बी यहाँ पहले में है, दूसरे में नहीं, दूसरा बाहर हुआ रेस, तीसरे में बी नहीं है इसलिए रेस बाहर हुआ, और चौथे में भी मस्ट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर डॉक्टर, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव में है, आपको बनाना है एक्टिव, तो एक्टिव बनाने के लिए आपको उसकी बनानी होगी सेकेंड फॉर्म, सिर्फ पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। यस,
सारों में इसकी सेकंड फॉर्म है somebody 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 recommended 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 me, somebody recommended me, तो पहला बार होता है। टू की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, दूसरा भी बाहर हो जाएगा आपका। Somebody recommended me another doctor, तो उसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला आपका 54, Didn't they tell you to be here by 10 o'clock? तो डिंट आ गया है, तो आपको ढूंढना है वॉज वर्ड जो कि पहले में है, बाकी किसी में है ही नहीं, जिसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही। डोंट टच दिस बैग, ये इम्परेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, इसको इम्परेटिव की तरह ही बनाना है आपको। तो दिस बैग दिस बैग दिस बैग दिस बैग दिस बैग नीड नॉट टू बी टच, नीड नॉट बी टच्ड, इसका आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल ईजिली। नेक्स्ट फॉर्मेशन है आपके पास नरेशन का, नरेशन को देख लेते हैं और इसको करते हैं आज जल्दी से जल्दी खत्म। पहला डायरेक्ट डायरेक्ट आपके सामने ये रहा 56, कह रहे तृप्ति सेड टू मी आई एम गोइंग शॉपिंग कैन आई गेट यू समथिंग। तो इज एम आर को बनाना आपको वॉज वर्ब, तृप्ति सेड कंजक्शन नहीं है सेंटेंस में, आपकी कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए सेंटेंस बाहर। तृप्ति सैड फिर कंजक्शन नहीं है, तृप्ति सैड शी वॉज गोइंग, अरे तो देखिए अब आपके पास मजबूरी बन जाती है। मैंने कहा एग्ज़ाम के अंदर आपको फैसला लेना है ऑप्शन देख करके, और किसी भी ऑप्शन में कंजक्शन नहीं है तो अब मजबूरी है हमें कि बिना कंजक्शन वालों को ही देखना होगा। तो तृप्ति सैड शी वॉज गोइंग शॉपिंग एंड सैड टू मी If I wanted something, Tripti said she was going something and asked me and asked if I wanted something. Tripti said she was going shopping and asked if she could. जी यहाँ भी आई आया और यहाँ भी आया, जब इस आई को आपने तृप्ति के हिसाब से शी किया है तो इस वाले आई को भी आप शी ही करेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 57 चेक करें, अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट He could make use of his bike while he was away. 57. तो पहले से इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट बनाना है। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, अतुल सेड टू स्टूडेंट, चारों मारा है। अब यू विल मेक, क्योंकि वुड का हो जाएगा विल, जबकि यहाँ पे कुड है तो ये तो होने से रहा और ये भी होने से रहा, सिर्फ कुड का कैन हो सकता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। डोंट डू दिस एट होम द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। 58 यू शुड नॉट बी डूइंग दिस एट होम सेड द टीचर, द टीचर एडवाइज्ड, जी टीचर हमेशा एडवाइस देता है स्टूडेंट को नॉट टू डू दैट, सेंटेंस आपका एडवाइस तो बनेगा क्योंकि सेंटेंस इंपरेटिव है, इसलिए टू सूट जाएगा, ये भी खास बात थी इसकी, आंसर हो जाएगा आपका बी। यस ये भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी फेस देम ब्रेवली, मैंने इसको फेस समझ लिया, फेस देम ब्रेवली। तो यहाँ पे कैप्टन ने जो है अपने जितने भी सोल्जर सबको एडवाइस दिए कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्डर की अभी तक ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ये तो ऑर्डर नहीं आएगा, आस्क नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एडवाइस आएगा, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा जो फिलहाल अभी करेक्ट ऑर्डर में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। आशीष सेड टू आशीष है आशीमा आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रीड इट। सो आफ्टर के बाद जो आपका हैव आया है उसको आपको हैड बदलना है। सबसे पहले आप इसी बात को ध्यान रखें, ये हैव को हैड कितना बदला होने पहले में नहीं है, कम से कम इसको इस्तेमाल कीजिए, दूसरे में भी नहीं है, इससे बाहर तीसरे में तो है भी नहीं है, और चौथे में उसने हैव को हैड बदला, इसी से आपका सेंटेंस आसान हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। रोहन सेड टू हिज असिस्टेंट डिड यू डिस्कस दिस मैटर विद द मैनेजर,
सेकंड फॉर्म को बदलते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं आपके लेकर के सेंटेंस नंबर 62 पे, जो कि सेट टू हिज बॉस, प्लीज अलाउ मी टू डू द प्रेजेंटेशन। तो रिक्वेस्ट की बात हो रही है, योगेश रिक्वेस्टेड, योगेश रिक्वेस्टेड, योगेश रिक्वेस्टेड, और लास्ट वाले में रिक्वेस्टेड नहीं है, इसलिए डी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ पहले। अब तीन पे ही आपको चेक करना है, तीन में से कोई एक आंसर हो सकता है। योगेश रिक्वेस्टेड हिज बॉस, रिक्वेस्टेड हिज बॉस, रिक्वेस्टेड बॉस, टू 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 टू। जब रिक्वेस्ट आ चुका है तो फिर प्लीज़ नहीं आएगा, इसलिए आप बी को हटा दीजिए। टू एलो, टू के बाद तुरंत वर्ब आएगी जो दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टू एलो हिम, लेट की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, सी बाहर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। यस, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिर्फ तीन क्वेश्चन रह गए हैं बकाया, 63, 64, 65। 63, शी आस्क्ड मी हाउ इज योर सिस्टर, इसे हमारे को बदलना है वॉज वर्ब में। कैसे बदलना है? वॉज वर्ब में। वॉज वर्ब कितनों में है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, बाहर कीजिए, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। शी आस्क मी, शी आस्क मी, शी आस्क मी, मी का मी ही रहेगा, ये यहाँ से गायब कर दिया इसलिए चेंज हो गया। शी आस्क मी, शी आस्क मी, सेंटेंस डब्लू फैमिली से बना हुआ है, तो सेंटेंस डब्लू फैमिली से ही कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन डब्लू फैमिली के तुरंत बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, जो कि यहाँ नहीं आया है, यहाँ पर हेल्पिंग अब आई है, इसलिए ये भी रेस से बाहर हो गया। आपका आंसर होता है सिर्फ और सिर्फ डी। माई कजन सेड आई विल बी हेयर अगेन टुमैरो, तो यहाँ पे आपका आया है तो टुमैरो, और विल बी का हो जाएगा वुड बी, हेयर का हो जाएगा देयर। पहले में वुड बी हुआ, वुड बी हुआ, वुड बी हुआ, इस बार बाहर। दूसरी बात, पहले में टुमारो को टुमारो रखा, ये बाहर। अब ये दो पे आपका डाउट रह जाता है। माई कजन सेड दैट दैट ही वुड वुड बी बी, हेयर को देयर में बदलना था, इसलिए सी भी बाहर, सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा बी आंसर। इस तरह सेंटेंसेस को बनाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रेस से बाहर निकालें, बनाने की कोशिश ना करें। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर लास्ट है आज का, ये लास्ट सेंटेंस कह रहा है कि निहारिका सेड टू द टीचर, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। निहारिका सेड टू द टीचर, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। निहारिका रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ पहले में और सी में है, तो दो बाहर हुए आपके बी और डी। निहारिका रिक्वेस्टेड द टीचर वेदर शी कुड प्लीज, जब आपने रिक्वेस्ट लगा दिया है तो फिर प्लीज़ की आवश्यकता नहीं है, इसको ही सुपरफ्लूस बोलते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था, सेम अर्थ देने वाले दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए ये भी बाहर हुआ। सिर्फ और सिर्फ आंसर बचता सी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया सलूशन आपको समझ में आया होगा। बस अब मैं आपसे यह आशा रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, जिससे कि आपको आने वाली और वीडियोस भी मिलती रहें। एमबी की बुक का फुल सलूशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। और ये सब कुछ फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। यस, फिलहाल के लिए हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।